तेरे को बोला ना इधर दिखाई नहीं देने का, इधर क्या किधर भी नहीं देखने का। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा, प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन है प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत
कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 AD के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर क्यों, अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है, या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं। ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाकिया अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं, और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 AD ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 AD का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए है। कल की 2898 AD में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खोले गए। कल की 2898 AD के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एल्ज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 AD का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 AD को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 AD के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 AD को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 AD की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 AD में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं।
marvelous place. I've just been inside Dwara, and I'm sure with this weather getting better, the season is better, and these kind of places should do well. And lovely interior, so I must visit Dwara. Okay, thank you, sir. ऊपर ऊपर मैम ऊपर विशेष जी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे देखिए सामने विशेष जी यहाँ मैम यहाँ पे देखिए ईशा मैम यहाँ राइट ईशा मैम यहाँ पे ईशा मैम यहाँ पे देखिए सामने विशेष जी इधर देखिए ईशा जी यहाँ पर वेट होल्ड 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 विशेष जी यहाँ पे हैं सेंटर में मोबाइल पीछे लो यार पीछे आओ यार कोई भी आगे नहीं जा रहा ऊपर है नीचे ऊपर 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 वहीं पे कोई भी तुम बारा गड़वान इधर इधर अबे यहाँ पे देखो ना सर यार अमन भाई इधर सेंटर लुक अमन भाई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे देखो ना इसमें निकाल दूँगा नहीं नहीं अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है भाई सेंटर में आ जाओ हम मैं सेंटर भाई ये सेंटर में टाइम हो जाएगा हम मैं क्या देखो हम मैं भाई इधर नाइस लुक हमारा शो बहुत अच्छा कर रहा है थैंक यू यार थैंक यू सो मच यस देख रहे हैं यस थैंक यू क्या यहां पे गुड एक सेकंड मेरे को तुम्हें स्पेशल कॉफी दो भाई आओ एडवांस में ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक एक फैंस के लिए ईद मुबारक बोल दीजिए एक बड़ी बकरीद मुबारक बाकी जितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में उन सबकी मुबारक बाय बाय कांशा जी अरे इधर है कांशा जी इधर कांशा जी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कांशा लोग यहाँ पे यहाँ पे देखो इधर आ जाइए इधर सेंटर में आ जाओ बस 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 थोड़ा दो मिनट अरे हो गया दो मिनट आकांक्षा जी लुक गया आकांक्षा जी यहाँ पे आकांक्षा जी ये बाजू आकांक्षा जी इधर देखिए सामने मिलेगा नहीं आकांक्षा इस बार बिग बॉस अनिल कपूर होस्ट करे व्हाट डू हैव टू से यार हमने मिस कर दिया मुझे लगता है आई एम श्योर यू नो ही इज गोना गेट अ न्यू स्वैग एंड मैं वेट कर रही हूँ कुछ नया तो डेफिनेटली होने वाला है इस बार एंड समथिंग व्हिच इज गोना बी बिंदास लाइक अनिल कपूर चकास छकास एंड बिंदास आकांक्षा जी यहाँ पे बहुत अच्छा
अरे भाई लौकी भैया उठना मत दो। दीसा जी हैप्पी बर्थडे। दीसा जी हैप्पी बर्थडे। केक लाए केक दीसा। पीछे आ जाओ ना यार भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू ईशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइए मैम एक फोटो दीजिए ना मैम। थोड़ा यार झाड़ सामने देखिए मैम। दिशा जी थोड़े यहाँ। दिशा जी सामने। दिशा जी यहाँ नहीं देखे यहाँ पे। दिशा जी मैं फोटो ले रहा हूँ। मैम मैं फोटो चाहिए था। दिशा मैम मैं फोटो चाहिए था। दिशा मैं फोटो नहीं मिलाई। दिशा मैम दिशा जी यहाँ देखिए ना यहाँ। दिशा जी थैंक यू मैम। दिशा जी यहाँ देखिए ना। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू बाय बाय दिशा जी। इधर रोकना यार। उधर किधर जा रहा है यार। आने दो ना जिंदगी। इधर इधर जिंदगी। हाय बराबर लाइट नहीं आ रही मैडम जी। इधर आओ ये लाइट अच्छा कड़क लाइट होगी। वेरी नाइस लुकिंग नाइस। मैडम जी रुकिए जरा। ये पीछे आओ सब लोग। किशन सुमिया मैडम जी यहाँ पे मैडम जी मेरा गुनोद भाई ऑल गुड भाई। यस बच्चे भाई बच्चे लोग किधर है। मैडम सॉरी क्या बात है। अरे वाह क्या प्यारे बच्चे। क्या बात है। हेलो हाय बाय। ओ वाह ओके भाई हाँ ये अभी आया एक्चुअली। ओके ओके मैडम आ रही है। हाँ हाँ थैंक यू।
भाई वहीं पे रुकिए ना, वहीं पे, वहीं पे, वहीं एक फोटो कर दो, एक फोटो कर। फादर डे सेलिब्रेट करें, कैसा लग रहा है? वेरी बढ़िया, अमेजिंग। आप एक खुद खुद एक पापा तो कैसा लग रहा है? गोद में ले लो, गोद में, गोद में ले लो ना सर। खुद चलेगी वही तो बोलती गाड़ी इधर है बेटा। आइए सर यहाँ पे, गुरमीत सर, गुरमीत भाई देखिए ना, एक साथ में फोटो करिए ना, सर एक साथ में फोटो, फोटो सर एक साथ में यहाँ पे, यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू, देखा कमांडर का टीजर, कमांडर अच्छा लगा आपको? एक नंबर सर, एक नंबर, देखो देखो आगे देखो और वेट आप, थैंक यू ध्यान। हेलो बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू भाई। आपका नंबर दे दो, पिंटू आपका नंबर दे, इनका जो हेल्प। चलो बाय 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 बाय, तो पीछे रहने को जिम के बदले बच्चों का बैग आउट। यस यस, अच्छा नाम
वीडियो में आवाज आ रहा है। बस 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 ये आगे मत रुको रुको। हाय इबू भाई इब्राहिम भाई थोड़ा आगे इबू भाई इबू भाई थोड़ा आगे हूं ना थोड़ा आगे थैंक यू भाई 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 झाड़ लगाओ झाड़ लगाओ बोलो सर रुक जाइए ना थोड़ा यहाँ पे प्लीज दादा रुकिए ना मैं को मिला नहीं क्या चाहे दादा इधर पीछे यहाँ पे दादा एक देसी भी हो जाए ना अरे वो एक जन ने चालू किया वीडियो उसमें मारना पड़ा गांधी जी ना अरे सॉरी यार मैंने नहीं किया ओरी वेट अरे लव यू हम यहाँ पे इस साइड बाय अरे किसको आ रही है हाय बाय यस यस ये यहां पे और पे जरा पीछे आना थोड़ा अब आ जा मैं इधर आ जाओ यार जी वाह ब्यूटीफुल यहीं पे है यहीं पे रुको रुको आ जाओ आ जाओ रुकिए ना मैम रुकिए इधर इधर रुकिए हां इधर रुकिए आप पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ इधर इधर आ जाओ लाइट अच्छी नहीं है अरे एक मिनट एक सारा जी को आप तो कह रहे थे रुकिए कह रहे थे रुकिए जरा वेट वेट ऊपर आ और ऊपर ये अरे से मिलेगा यार क्या कर रहे हो तुम लोग वो सज्जन जी मैडम आप हटो हां इधर इधर बगा पीछे से क्लियर पीछे से क्लियर कैमरा है क्या रहा लुकिया डाउन यहाँ पर क्या यहाँ पे सामने क्या रहा क्या रहा क्या रहा यहाँ यहाँ क्या वेट क्या वेट क्या रहा यहाँ क्या रहा जी लुकिया क्या रहा यहाँ नीचे नीचे इधर नीचे क्या रहा जी यहाँ पे सामने
जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 10 साल पूरे हो चुके हैं इंडस्ट्री में। ओके टाइम सी यू गाइस। Which I'm about to try, but before I go ahead, I have chef with me, who's going to explain to us what this is all about. So I'm Chef Dylan Almeida. I'm from Sri Lanka, Colombo. So I brought some our food into India. So I'm gonna plate it all the things. So these are some few we captured from the desert in Sri Lanka. These are traditional desserts. So I brought it. I hope the main course will start all good. Yes, everything was nice. So. So we
वीडियो बनाए ओके ओके कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस दिस इज कॉल्ड द हाश्मी वन दिस इज हाश्मी आवर ट्रेडिशनल वन इट्स मेड विद द राइस फ्लावर ओके एंड दिस इज कॉफी एंड वी हैव कालू दोदल एंड हॉकी स्मेल ओके व्हाट इज दिस वन एग्जैक्टली इट्स मेड विद द कोकोनट ओके जैगरी ओके कोकोनट बेस एंड दिस ऑल वेजी ओके Okay. This one we get in India as well. We have it on Gudi Padwa generally. So this is the only thing I'm familiar with. Rest everything is something new. Mm. So looking forward to trying it and getting back to you on how it is. Thank you so much. Yes, yeah. Thank you. Yes, तो हमने बहुत कुछ try किया है श्रीलंकन. Keeping in mind, I'm a vegetarian. My choices were a little limited, but whatever limited options I had, I was happy to try them all. And I got my mother here with me as a date, so I made her also try. Although she is not very open to trying a lot of dishes, she likes her proper ghar ka Gujarati khana. But I just dragged her. Come, let's go. So we had a good experience overall. Thank you for having me. And vegetarian hotel where? Yeah. मैं पर्टिकुलर फेवरेट डिश गुजराती में आई एम वेरी लकी माई मदर इज़ अ वेरी वेरी गुड कुक तो मैं फेवरेट मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगी फेवरेट क्या है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट माई मदर मेक्स शी मेक्स पंजाबी फूड ऑल्सो वेरी वेल शी मेक्स महाराष्ट्रन फूड ऑल्सो वेरी वेल लाइक येस्टरडे आई हैड मिसल जो मम्मी ने बनाया उसके पहले मम्मी ने वड़ा पाव बनाया था महाराष्ट्रन ठेचा के साथ So I don't have one particular thing. I generally love everything that she cooks. And being a foodie myself, I am open to trying out different food. Just jaise aap dekh rahe ho, main yahan pe abhi Sri Lankan food try kar rahi hu. So I'm a foodie. I love food. And yeah, that's about it. Apart from that, aapki character ko kafi zyada pyar milta hai chahe हाँ बिल्कुल वो तो विद गॉड्स ग्रेस आइकॉनिक शो है आइकॉनिक कैरेक्टर है और मैं उसका हिस्सा बनी इट्स नथिंग लेस देन यू नो गॉड्स ग्रेस एंड आई एम ग्रेटफुल एंड आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल देखो तो कोविड से ये शुरू हुआ है एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था बट वेन एवर आई सी समथिंग गोइंग वायरल आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई फील ग्रेटफुल दैट ओ वाओ आई एम इन न्यूज यस आई जस्ट कम्प्लीटेड शूटिंग फॉर अ फिल्म इट जस्ट गॉट रिलीज ऑल्सो काम चालू है ऑपोजिट राजपाल यादव जी एंड बिसाइड्स दैट आई जस्ट फिनिश शूटिंग एन एड कैंपेन फॉर शादी डॉट कॉम लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट सो मॉम ऑलवेज फील्स वेरी हैप्पी एंड प्राउड वेन एवर शी सीज मी ऑन टेलीविजन और वेन एवर शी सीज मी रिसीविंग एन अवॉर्ड एंड शी जस्ट जनरली फील्स वेरी हैप्पी वेन एवर शी सीज मी वर्किंग और डूइंग वेल छोटी से छोटी चीज़ उनको कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं चाहिए कोई छोटी चीज़ भी होती है मॉम फील्स वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल रिगार्डिंग सो लेट्स सी व्हाट्स इन द पाइपलाइन बिकॉज एज एन एक्टर मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है वेदर इट्स एन एड शूट वेदर इट्स अ मूवी और वेदर इट्स समथिंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म और वेदर इट्स TV सीरियल और वेदर इट इज़ समथिंग एल्स आई डोंट नो व्हाट्स इन द पाइपलाइन बट हैविंग सेड दैट आई एम ओपन एंड यू हियर फ्रॉम मी सून ऑन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट थैंक यू
Okay, fair fin by Marriott, Sri Lankan food festival. Fair fin by Marriott, Sri Lankan food festival. Kitna enjoy kiya? Ji, I think first time aise koi Sri Lankan food festival ho raha hai Bombay mein mere khayal se. I think mere liye to first hi hai, isse pehle main kahin bhi nahi aayi hu, but thanks to Fairfield by Marriott, I got a chance to experience something so wonderful. Sri Lankan cuisine जो है मुझे बहुत ज़्यादा personally पसंद है because मैं एक die hard non-vegetarian हूँ, तो चाहे वो सी फूड हो या चाहे वो you know chicken मटन ऐसी भी कोई करी हो, तो I think काफ़ी similar है वो हमारे normal diet से. तो for me personally तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, I had a wonderful experience and I love the fact कि वो साथ में you know हर dish के साथ you know there are curries, चटनीज देते हैं साथ में एंड काफ़ी स्पाइसी भी है, तो आई थिंक द फूड ओवरऑल इज़ ग्रेट. लाइक माई पर्सनल फेवरेट फूड, सो आई लव मुगलाई, सो लाइक आई सेड लाइक क्वाइट सिमिलर टू श्रीलंकन, आई लव एनी थिंग दैट्स नॉन वेजिटेरियन, सो आई लव माई बिरयानीज, आई लव राइस, आई एम अ डाई हार्ड राइस पर्सन, सो एनी थिंग विद राइस. Anything in pipeline? So currently I have a show on air on Hotstar. It's called Guna and it's airing right now, guys. Monday to Friday, please watch. And for the other projects, I'm gonna keep you guys posted. Thank you. One corner. Sorry. Ashtak, hai na? Ashtak. Ashtak. Nahi hai. Hi, I'm Hello, hi. Lovely. How so, what is ma'am? It? This is called the Vade, ma'am. So we have the so and the this is the veg, right? The veg one. Okay. So we have the so Vade, and this one is veg. We have normal Vade, dal Vade. Okay. And this is the whole Vade. We call it the coconut Vade. Okay. So instead of the inside, we have the sambar. That is made the onion and there are some tamarind. Yeah, I just opened it. I saw there are some onions. It's nice, ma'am. It's fine. Like they if I want to try it at home. they have sweetness and the spiciness. Okay. And they have the tamarind flavor is coming. Okay. It's nice. Yeah, it is actually very nice. This, it tastes like bhajia. Bhajia, yeah. Like what we eat in Mumbai. So yeah, it does. Smells like and tastes like. Sri Lankan snacks. Yeah, exactly, exactly. All the spice will be there. It's different. I don't like to go to Sri Lanka. I've been to Sri Lanka once. Are you? Yeah, so how was the thing? It was really good. I love the food. So which way you travel now? I have no idea. Like it was before COVID, so I don't really remember where exactly we were. Or the down south. There is one hotel which is like very famous there, so we were staying there. Taj Samudra. No. Are we supposed to talk about all this? No. We have two separate sites. One is down south, Yeah, the town one. Town one? Yeah. With the beach, everything. Yeah. Wow. It's beautiful. Sri Lanka is really beautiful. Yeah. Even people. At least you need at least more than a week to travel in Sri Lanka. Yeah. You need to go to the upcountry and see the Nine Bridge. Uh-huh. We'll definitely go next. With the train trips. Oh, wow. Many people are going to train to the upcountry. Would love to do that. Okay. Nice, I didn't know about it. Yeah, actually. Yeah. Didn't know about it. But I'm really excited to, you know, taste everything, all the dishes. Yeah. These all dishes we made for like the traditional thing and we do any fusion things. Okay. This is a simple traditional dish that we actually. Okay. With all the spices. And it's made with love. Definitely. It is spicy, they be spicy. Because we didn't reduce anything. It's spicy? A little bit spicy. I love spicy. Very good. Good for me. Okay, ma'am. Then enjoy. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. आप देख ही सकते हैं कितना इंजॉय कर रही हूँ मैं. एक्चुअली इट्स वेरी नाइस. मैंने सूप पिया है इससे पहले, सो दैट सूप इट टेस्ट लाइक मैश पोटैटो विद घी. मैं अपनी रेसिपी बता रही हूँ, बट बंगाली इसमें हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, सो इट टेस्ट लाइक दैट. मुझे वो बचपन में वो वहाँ पर चली गई थी मैं. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. दिस स्मेल्स लाइक भजिया. और साथ ही बात करें आपका पर्सनल फेवरेट, वो आपका क्या फेवरेट?
मेरा पंजाबी फूड दही कढ़ी चावल राजमा चावल आई लव. मैं एक्चुअली मुझे घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई लाइक कढ़ी चावल दाल चावल. लाइक अब कहीं इंडिया के बाहर भी चले जाती हूँ तो मुझे बस ये होता है कि दाल चावल खिला दो कोई मुझे बस. So, आप मैं फिट हूँ थैंक्स. मुझे यही सुनना था यार. देखो अब बाहर आई हूँ मैं क्या बोलूँ. बट जितना हो सके घर का खाना खाओ. बाहर का भी खाओ कभी कभी. चीट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर चीट डे नहीं करोगे तो फिर आपकी बॉडी यूज टू नहीं रहेगी ये सब खाने की. सो वंस इन अ मंथ ट्वाइस इन अ मंथ गो आउट हैव एवरीथिंग बट बाकी दिन ट्राई टू अवॉइड. आप लोगों को पता चल जाएगा वेरी सून. कुछ नहीं अब पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हेलो एक साथ में मानो लोक सेंटर आई डन डन. पूरा जो लगा हुआ है द फूड द बुफे व्हाटएवर आई एम सीइंग बहुत ही सुंदर दिख रहा है सारा खाना. प्लस हमारे जो शेफ़ है वो सीधा श्रीलंका से आए हैं एंड इट्स अ श्रीलंकन फूड फेस्टिवल समथिंग दैट आई हैव नेवर ट्राइड. मैंने कभी श्रीलंकन खाना खाया नहीं है तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है. दिखने में ही खाना इतना सुंदर है खाने में तो लाइक और भी मज़ा आएगा. सो आई हैव टेस्टेड अ फ्यू थिंग्स इट्स रियली नाइस. अभी मैं फाइनली डेजर्ट्स खाने जा रही हूँ एंड बहुत प्यारे हैं डेजर्ट्स यार. खाने भी सुंदर है एकदम आपकी तरह. आप एकदम फिट हो जी. क्या राज है इसका और ऑडियंस को कुछ बता. राज तो ये है कि दबा के खाना खाओ लेकिन दबा के वर्कआउट भी करो. अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखो हो सके तो. पॉसिबल तो नहीं होता है क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो बहुत खाना खाता है उसके लिए डाइट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं वर्कआउट करती हूँ. मैं हैवी वेट ट्रेनिंग करती हूँ तो उसके वजह से मेरी बॉडी मेंटेन रहती है. Yes, I am. I just shot for a film and I'm currently shooting for a web series. तो वो 3 महीने के बाद लोगों को सबको पता चलेगा उसके बारे में. क्या रिस्पॉन्सेज मिलते जब इतना प्यार मिल रहा है आपके? रिस्पॉन्सेज मतलब मैं क्या बताऊँ. इट्स इट्स लाइक ऑडियंस टेलिंग मी दैट यू नो यू डन अ ग्रेट जॉब और मैं आपका और काम देखना चाहते हैं. हम आपके और काम देखना चाहते हैं और वो एक एनकरेजमेंट होती है. अगर आप एक्टर को कन्फर्मेशन नहीं मिलता है ना कि आपकी ऑडियंस आपका काम पसंद कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें और डबल मेहनत करनी है. और जब कन्फर्मेशन मिलती है तब और खुशी होती है और वो इट शोज इन अ परफॉर्मेंस. सो दैट्स द थिंग एंड आई एम लविंग पीपल इंजॉइंग माई वर्क. I just want to say that you guys should definitely come to Fairfield Marriott and check out this amazing Sri Lankan food fest. Bahut sahi khana mil raha hai yahan pe. Maze karo, khao piyo, aish karo aur gym jao. Thank you. Ab ye chadai na pura din chadai chalo. Yeah bhai. Kaise ho? Amazing. Aap kaise ho? Bahut badhiya. Bahut badhiya. Haan to kya? अरे यार मिले क्यों नहीं क्यों नहीं लेंगे यार. मैम लोग किया कुबरा जी. कुबरा जी यहाँ पे.
देखा कि वहाँ पे यू नो यू पीपल हु वांट टू सिट आउट, वहाँ पे सन है एंड यहाँ पे शाम का यू नो मज़ा ले सकते हैं लोग. सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस. वेल, इसी के साथ साथ आपके बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत. अभी आपकी वेब सीरीज आई है और इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? वेब सीरीज के बाद एक ऐसे मौके की तलाश है जहाँ मैं कुछ डिफरेंट तरीके से अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकूँ. मैं झलक पसंद करती हूँ, मैं खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर पसंद करती हूँ, और भी जो डांस शोज होते हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे. इस बार खतरों के खिलाड़ी में कोई आपके फ्रेंड्स थे? शिल्पा शिंदे मैंने सुना था, बट आई थिंक शी गॉट इविक्टेड विच वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट. मैंने नहीं देखा बट आई वुड वॉन्ट टू सी बिकॉज ऑफ शिल्पा. शी इज द फर्स्ट वन टू गेट इविक्टेड. यस, उसके बाद एक और भी है, हम दोनों की फ्रेंड है. नहीं, अदिति इज नॉट, मतलब आई नो हर बट शी इज नॉट अ फ्रेंड, बट शिल्पा हम दोनों की फ्रेंड है बिकॉज जस एंड मी वर इन द सेम शो दो दिल एक जान, उसमें शिल्पा भी थी. एंड सो या शी शुड हैव बीन देयर. सो व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए वाइल्ड कार्ड एंट्री? मेरी हाँ हो सकती है, हाँ मेरी हो सकती है. नहीं नहीं, शिल्पा को डेफिनेटली लाना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लव हर, सो इट्स नाइस. वी फैंस मस्ट बी वांटिंग टू सी मोर ऑफ हर. आपके बारे में जानना चाहिए सर थोड़ा बहुत, क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है? पाइपलाइन और ऑन एयर होने वाला है? ऑन एयर तो मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम शूटिंग फॉर राणा नायडू सीजन 2 फॉर नेटफ्लिक्स राइट नाउ. And next week I'm leaving for Anurag Kashyap's next, so I cannot reveal anything about that. But yes, I'm very very excited because Anurag sir has been my dream director for the past 15 years, and I am working with him. Well, जब आपको प्रोज किया गया अनुराग कश्यप की तरह से और उनकी डायरेक्शन के बारे में तो काफी यू नो चर्चा है, तो क्या यू नो उस वक्त माहौल था, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, जैसे सैम बहादुर के टाइम था. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो व्हेन क्या होता है कि सपने तो हम सब देखते हैं पर अगर उनको पूरा होने में एक लंबा अरसा लग जाता है ना, तो फिर जब वो पूरे होते हैं तो एक अलग सी अजीब सी फीलिंग होती है जो सेटल नहीं होती. तो या इट्स जस्ट दैट सेम फीलिंग that I had, that when I came to know I'm being going to be directed by Meghna Gulzar ma'am. So yeah, meri to hat-trick ho gayi hai. Karan Anshuman sir for Rana Naidu, he's the creator and director, and he just directed me, and I'm on cloud 9. Ek actor ke liye aur kya matlab, ye to dream hai. So khushi ka gubbara to nahi phuta, लेकिन जैसा जस ने कहा इतने लंबे समय का इंतजार, तो आई एम श्योर ही इज फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल. मैं और रिद्धिमा दो चीज़ों में बिलीव करते हैं, सबर और शुक्र. तो सबर का फल मीठा होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हाँ वो सबर रखना हम सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जो रख लेते हैं देन दे डू सी द लाइट. तो फिलहाल हम लोग वही कर रहे हैं, ये अपने काम पे जा रहे हैं और मैं नए मौके की तलाश में हूँ, और इनके जो बोलते हैं ना सब्र का मीठा फल है वो थोड़ा थोड़ा मैं भी टेस्ट कर. यस, व्हाई नॉट. वेल, लास्टली जाते जाते जाना चाहिए, यू नो बिग बॉस आ रहा है और एक सबसे ज़्यादा यू नो कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, और इस बार OTT में कई ज़्यादा नाम आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के. व्हाट डू हैव टू से, इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिग बॉस वुड यू लाइक टू बताओ? या व्हाई नॉट, सी इट्स अ प्लेटफॉर्म,
सो आई बिलीव दैट नेवर से नेवर, अगर मौका मिलता है तो करना चाहिए. हालांकि मेरा ये मानना है कि मैं OTT ना चुन के TV वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगी जब भी आता है, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ तो जो मैं पसंद करती हूँ कैमरे के सामने रह के वो करना, तो वो मेरा पहला प्रेफरेंस है, यू नो, टू डू व्हाट आई लव. बट अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऑफकोर्स उसके मैं देखूंगी वो समय कितना क्या है, उस हिसाब से आई विल वेलकम द अपॉर्चुनिटी. वेल, अनिल कपूर सर इस बार, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी फ्रेश एंड वी ऑल लव हिम. आई लव हिज जज्बा, आई लव हिज एनर्जी एंड ऑल ऑफ अस लव हिम. सो या दैट इज समथिंग गुड, दैट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग. व्हाट यू हैव टू है ना About Anil sir. If you get an opportunity and also about Anil. See, when the opportunity comes, like, because honestly I live my life one day at a time, so now I don't live in the future or in the past. Yeah. That's why you see me smiling. So jis din wo opportunity aayegi us time to usko वैसे ही embrace करेंगे. जैसा मैंने कहा. हाँ, but Anil Kapoor sir doing it is a very fresh yeah, thing, and very I'm really fresh. Excited to see what it's going to be like. Because we all have seen Salman sir yeah, do it for so many style. Years yeah. And this is something new, so yeah, we're looking forward to it. Thank you so much. Thank, thank you. You. Thank you. थोड़ा थोड़ा सेंटर मैम, आप सेंटर में रहिए, आप इधर रहिए. शंकर भाई जल्दी चलो रेडी. ओके, सो सबसे पहले तो सारा ये जानना चाहेंगे आज आप होस्ट करने वाली हो जी, और क्या कहना चाहूँगी. First of all, I must congratulate both of them, and it's Riz is theirs. Before I say something about Riz, which I'm looking forward to experience, these two have something very interesting to say. So, just say something. Yeah. So, Riz is basically it means it's derived from charisma, the word, and it's actually how you woo someone. So we want to woo everyone with our food that is actually designed by the menu is curated by Chef Vikram Arora, and the place is designed by Sanya Kantawala. So this is our third venture with the same team, and the team has come together and they've made a fabulous place here. So yes, we would like everyone to enjoy this place. Harshan, what would you like to say? So for me, this venture is like two college friends starting a venture, my third venture with my college friend. People say that partnership is not a long way, but we have come through like COVID, we have come through 6 years of successful hospitality. So just wishing luck to Riz and wishing luck to us. That's it. Can I pretend I'm your college friend as well? Next venture. Yeah. I don't know, I'm drawn to F&B all of a sudden. And it's a veg restaurant, and it's got amazing veg sushi and
वॉट एल्स, मेरे को अभी भूख लगा है. ये जो बोल रहे थे ना मुझे अभी क्या क्या है मेन्यू में, आई वॉज लाइक ओके मेरे लिए बचाना. सुशी से सेव पूरी सब कुछ है. फ्रॉम जापान टू अमेरिका वी आर सर्विंग ऑल काइंड ऑफ क्यूजींस, यूरोपियन क्यूजींस, मेडिटेरियन क्यूजींस, एंड द बार इज ऑल्सो ओपन, सो इट्स गोना बी अ लवली वाइब. पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, बट आई एम अ फूडी, आई एम अ फूडी. आई लव फूड एंड आई लव पीपल हु लव फूड. आई जस्ट थिंक पीपल हु डोंट लव फूड, दे हैव टू वॉच एवरीथिंग, दैट्स नॉट माई वाइब. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन वाई आई अट्रैक्ट एफ एंड बी, एंड दैट्स द रीजन वाई आई अट्रैक्ट पीपल लाइक देम, बिकॉज दे लाइक फीडिंग एंड आई लव ईटिंग. And I'm looking forward to experiencing this amazing place with all my friends and family, and let's see how it goes. Aapko bhi pata chalega, aap jab khaoge to pata chalega ki bahut tasty hai aur bahut beautifully curated hai. Well Sara, aap har party har cheez aap host karte, chahe wo Mother's Day ho chahe wo restaurant ho, aage kya kuch aane wala hai? Something very interesting which I don't want to reveal right now. Just think. Bon. I don't know, just have wild guesses and keep guessing for some time, sirf ek mahina aur. Bas. Well, isi ke saath saath ye jana chahenge reality shows back to back. Big Boss. Yes. Yes. What do you have to say if you get an opportunity for Big Boss? Would you like to do? You know what? I'm not worried about me, I'm worried about them. So my husband Afeen says please don't go in Big Boss, there'll be the first murder. Oh. So jaise bola hai to dekho aa gaya wo, dekho steal the show karne ke liye aa gaya abhi mera. So yes, I'm looking forward to Big Boss, and especially this time OTT because Anil Kapoor is there. And yes, aa gaya dekho aa gaya. Are aaj tumhari yahan khadi hui hai, pankha kidhar hai re? Rohit Shetty, dude. Oh. So he's there, and that's about it. And hint hai that something interesting is coming out with Rohit Shetty. So, oh, there you go. Adventurous. Yeah, maybe. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye bye. Good. How are you? Sarah and just twinning, black and white. Yeah. Oh my God. Are you hosting with me? Yeah, center, please. Center. Shift. Every woman should copy you. You know he was stealing the show. Okay, every time he comes, he's stealing the show. She's just modest. हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. सारा एक ऐसी डाकू है जो लूट करती है लेकिन प्यार लूटती है. माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और वो जब भी बुलाती है मैं उसको कभी मना नहीं कर सकता हूँ. अनलेस एंड अंटिल आई एम आउट ऑफ द सिटी, इफ आई एम इन द सिटी आई विल डेफिनेटली कम फॉर हर. वेल, अभी एक वेब शो कम्प्लीट किया है और एक म्यूजिक वीडियो किया है, अच्छा म्यूजिक वीडियो किया है, वो भी आने वाला है. बाकी आई एम coming slowly. I was not into the action for 2.5 years, you know, for some reason everybody know, but ab main theek hu, I'm fine. Well, Ijaz bhai, aap election ke waqt humne dekha aap campaign wagera kar rahe the, aur Modi ji ki government aayi, kya kehna chahoge? Dekho, mera kaam hai ladna, isliye main lada, main to hamesha ladunga. Dekho, marna hai to lad ke maro, baithe baithe kya mar jaoge yaar. ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, लोगों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है. अभी ये वैष्णो देवी पे हमला हुआ, कितने लोग बोले, कौन से एक्टर्स, कौन से क्रिकेटर, कौन से पॉलिटिशियन बोले, क्योंकि इलेक्शन हो गया ना. तो ठीक है, आई लाइक टू फाइट फॉर पीपल एंड आई विल ऑलवेज कीप फाइटिंग.
चाहे मुझे जेल जाना पड़े या मेरे घर वालों को तकलीफ हो या मुझे तकलीफ हो, मुझे परवाह नहीं है. आई वांट टू डाई लाइक अ हीरो, यू नो, नो प्रॉब्लम. आपने हिजाब लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप. कोई रीजन? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, निकालिएगा मत. आप एक एग्जांपल बन सकती है माशाल्लाह. ये हिजाब बहुत अच्छा लग रहा है आप पे, और प्रेस की फील्ड में इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. आप एग्जांपल बन रही है, अल्लाह ने आपको चूज़ किया है. कैसा लगता है ना, 3D ना, एकदम 3D की तरह लगता है. वहाँ पे ऐसा उतरो तो ऑटोमेटिक रोना चालू हो जाता आदमी, है ना. या अल्लाह, की प्योर और अच्छी लग रही है आप माशाल्लाह. मेरे भी लिए दुआ कर दीजिएगा कि माशाल्लाह. मैं बहुत बार जाके आया, अभी फिर जाऊँगा वापस. जब जब जाओ एकदम क्लीन होके आ जाओ, लेकिन निकालिएगा मत हिजाब. नहीं नहीं बिल्कुल. वेल, इसी के साथ साथ ये भी जाना चाहिए, इजाज़ भाई मुनव्वर की शादी हो गई है, आप क्या कहना चाहोगे? आप मुबारकबादी दिए या नहीं दिए थे, या मुलाकात हुई या नहीं हुई? देखो क्या होता है, मैं जब भी किसी बच्चे को चूज करता हूँ ना, सपोर्ट भी किया है. देखो मैंने सपोर्ट किया पहले 07, वो भी नामकूल निकले. फिर मैंने असीम रियाज को सपोर्ट किया, वो भी नामकूल निकला. फिर मैंने मुनव्वर को सपोर्ट किया है, अब मुनव्वर की शादी हो गई है, तो ये थोड़ा अच्छा लड़का है. अभी भाभी जान इसको थोड़ा सही करेंगी. जो मुझे लगता है कि अच्छी टाइम पे अच्छी तरह शादी कर लिया, और शादी करना सुन्नत भी है. और इसीलिए है कि जो माँ बाप की बात नहीं सुने, जो किसी की नहीं सुने, वो बीवियों की सुन रहे हैं. लेकिन ऐसा मत करो, माँ बाप की सुनो. बीवियों की सुनने वालों, बीवी के पैर के नीचे जन्नत नहीं बताई गई है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है. बीवी तुम्हारे साथ जन्नत में खड़ी रहेगी. अच्छी बीवी और अच्छा दोस्त जिसको मिल गया ना, उसकी ज़िंदगी बन जाती है. अभी आसिफ का आपने जिक्र किया, आसिफ को खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गए थे, और कहा गया कि निकाला भी गया है उन्हें. क्या कहना चाहूँगे आसिफ के? क्या कहेंगे, आसिम भाई बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े धुरंधर है. हाँ बेटा, ये इंडस्ट्री है, आपके जैसे बच्चे कई आए और कई चले गए, पता भी नहीं चलता, लोग भूल जाते हैं. यहाँ नाम बनाने के लिए, यहाँ रहने के लिए सबसे पहले तो हम्बल बनना पड़ता है. दूसरा, सच पे आप कुछ भी बोल दो, आप झूठ की गाड़ी नहीं चला सकते हो. खैर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि झुक के चलना होता है और अच्छे से चलना होता है. वो चैनल है कलर्स. अनिल कपूर जी का मुझे, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको. यह रोमियो और जूलियट का जमाना नहीं है, या मुन्ना और मोहिनी का जमाना है, और यह मुन्ना अपनी मोहिनी को ढूंढने आया है. बहुत मुन्ना भाई अच्छा ही करोगे आप. ये क्या है ना, वो आदमी ने ऐसा जहर घोल दिया है ना बिग बॉस के अंदर, और लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, उनको बुलाना ही पड़ेगा. और आप भी तो भाई हो, सबसे पहले भाई तो आप ही हो ना मुन्ना भाई, तेजाब से. बाकी सब तो आप क्या, सब बाद में आए हुए, लेकिन आप करो, मुझे लगता है आप अच्छा करोगे. आप भी तो डरा ही देते हो लोगों को. झकास. थैंक यू. कल के 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम. मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है. अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमा घरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी. इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी. फिल्म 27 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है. प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले है. जहाँ अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है. इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं. इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा. वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी, जिसे बुज्जी कहा जा रहा है. बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था. कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा. हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वहीं उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया. इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा.
वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किधर पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन है। प्रभास के कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन? सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे है, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे है। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे है। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए तो प्रभास कहते है, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं, और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल के 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खुले गयी। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एल्ज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है, वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी आम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी, जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा, प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले है। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन है प्रभास की। कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है, जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है, या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो
और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं। और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खोले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एल्ज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी, जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसके पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं। जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं। वहीं उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किधर पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले है। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन है। प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म
कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो न हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन? सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है, या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं, और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए है। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खुले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एज्ड लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है, वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है, वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं।
कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी आम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी, जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है। प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो न हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है, जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर क्यों, अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है, या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाकिया अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे है, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे है। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल की आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं,
पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल के 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार की पर्दे खुली गई। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं। जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं। वही उनका कैरेक्टर काफी इम्प्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द साला 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है। प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए
जिनके जॉब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े है। वो कहते दिखते है, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन? सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर क्यों, अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है, या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और तीन प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में तीन प्रभास यानी तीन भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे है, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे है। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं। और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खोले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एज्ड लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में
अश्वथामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं। जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है। प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वथामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। पर क्यों, अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे है, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे है। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्की के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे है। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए तो प्रभास कहते है, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं। और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वथामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वथामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का
टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार की पर्दे खुली गई। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एल्ज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी, जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसके पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा, प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन है प्रभास की। कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी, और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है, जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म
किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और तीन प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में तीन प्रभास यानी तीन भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा? और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा। नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए, तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं, और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खोले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एज्ड लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं, फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसके पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं।
जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वहीं उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा, प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किधर पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है। प्रभास की कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो ना हो, मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन? सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा? क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और 3 प्रभास एक साथ दिखते हैं? ट्रेलर के एक सीन में 3 प्रभास यानी 3 भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है, जबकि पीछे से निकल कर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे, लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा? नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं, और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल की 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खुले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एज्ड लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है।
कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है, वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है, वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं। कल की 2898 एडी में भैरवा बनने के लिए प्रभास को करने पड़े ये दो बड़े काम। मंच सेट को हो चुका है, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच तगड़ा बज बना हुआ है। अब इंतजार है तो बस फिल्म का, कुछ दिन बचे हैं फिर सिनेमाघरों में प्रभास की एंट्री हो जाएगी। इस साल की सबसे महंगी फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, जो है कल की 2898 एडी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म को बड़े लेवल पर लाने की प्लानिंग कर ली है। प्रभास के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और अमिताभ बच्चन भी आम रोल में नजर आने वाले हैं। जहां अमिताभ बच्चन कल की 2898 एडी में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं, वही दीपिका पादुकोण पद्मा का रोल करने वाली है, जो माता लक्ष्मी से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कमल हासन विलन बन रहे हैं। इस फिल्म के साथ उनका किरदार खत्म नहीं होगा। वही प्रभास फिल्म में भैरवा बने हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी नजर आएगी जिसे बुज्जी कहा जा रहा है। बीते दिनों इसकी पहली झलक दिखाने के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था। कल की 2898 एडी में प्रभास भैरवा बन रहे हैं, जल्द पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। हालांकि भैरवा के लुक में प्रभास काफी अलग और हटकर नजर आ रहे हैं, वही उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव होने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने भैरवा के रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वो दो काम जो एक्टर को इस रोल को करने से पहले करना पड़ा। प्रभास ने बताया कि यह कैरेक्टर की मानसिकता को समझने पर है। मैं डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ मिलकर लगातार कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। वही वो सेट पर आने से पहले इसके हर पहलू पर चर्चा करते थे। यह किरदार पिछली फिल्मों में किए गए प्रभास के बाकी रोल से काफी अलग होने वाला है, इसलिए एक्टर काफी एक्साइटेड भी है। इसके बाद प्रभास के खाते में कई और भी बड़ी फिल्में हैं। वो जल्द सालार 2, द राजा साहब और संदीप रेड्डी वागा की स्पिरिट में दिखने वाले हैं। अब तक किसी भी फिल्म का शूट पूरा नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है प्रभास की। कल की 2898 एडी के ट्रेलर ने ये 5 अधूरे सवाल छोड़ दिए। इतने दिनों से नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कल की 2898 एडी का इंतजार हो रहा था। 10 जून को मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर का इंतजार आखिर खत्म कर ही दिया। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी समेत कई सितारों से सजी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। कुछ मिनटों में ही ट्रेलर को देखने वालों की तादाद कई लाख में थी, मगर कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी कुछ सवाल अधूरे ही रह गए। ट्रेलर देखने के बाद कहानी का हल्का फुल्का अंदाज तो लग गया, मगर कई ऐसी चीजें ट्रेलर में डाली गई है जिससे कई सवालों के जवाब अधूरे ही रह गए। हो न हो मेकर्स ने जानबूझकर इन सवालों को दर्शकों के लिए अधूरा छोड़ा है। ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है, मगर अंत से शुरुआत तक जैसे ही आपको लगता है कि अब प्लॉट समझ में आ गया, वैसे ही नई बात सामने आती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ट्रेलर से 5 ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक शहर बचा है काशी और उसकी भी तमाम अच्छी चीजों को छीन लिया गया है। इसके बाद बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी का सीन है जिसमें वो कई हथियारबंद लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते दिखते हैं, बाकी अगर कुछ है तो वो कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिल्म में सुप्रीम यास्किन आखिर है कौन। सीन से साफ है कि सुप्रीम यास्किन नेगेटिव रोल में है, मेन विलन है। इसका जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेगा। कल की 2898 एडी के बारे में ये तो पहले से ही पता था कि ये फिल्म किसी मैथोलॉजिकल कहानी पर होगी और इसमें फिक्शन का भी सहारा लिया गया होगा। अब ट्रेलर आने के बाद ये सच साबित हुआ है। फिल्म में लीड रोल प्रभास का है, लेकिन ट्रेलर में सेंटर में दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा बच्चा है। ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर क्यों? अगर वो बच्चा ही दुनिया बचाएगा तो प्रभास क्या करेंगे? फिल्म का हीरो क्या करेगा?
क्या फिल्म में प्रभास का ट्रिपल रोल है या फिर कहानी में तकनीक इतनी आगे की दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल प्रभास करते हैं और तीन प्रभास एक साथ दिखते हैं। ट्रेलर के एक सीन में तीन प्रभास यानी तीन भैरवा दिखाई देते हैं। सबसे आगे खड़ा भैरवा गंभीर मुद्रा में है जबकि पीछे से निकलकर झांक रहे दो और भैरवा मजाक के अंदाज में हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई फिल्म में ही सामने आएगी। इस फिल्म में काफी वक्त से कमल हासन के रोल पर चर्चा थी। पहले कहा गया वो विलन बनेंगे लेकिन कमल ने खुद कह दिया कि वो सिर्फ कैमियो रोल यानी छोटे से वक्त के लिए फिल्म में है। ट्रेलर में कमल हासन सबसे आखिर में दिखे हैं, लेकिन बेहद दमदार और वजनदार लगे हैं। कमल हासन चश्मा लगाए किसी शख्स से कहते हैं, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। क्या पहले पार्ट में नया युग नहीं दिखेगा और ये अगले यानी कल्कि के आने वाले पार्ट में दिखेगा? नए युग में क्या होगा, कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब अधूरा ही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि प्रभास बुरे लोगों की बात को तुरंत मान रहे हैं। जब विलन कहता है कि वो लड़की मुझे चाहिए तो प्रभास कहते हैं, पॉइंट ये है कि मैं हूँ जो उसे ला सकता हूँ। प्रभास अपना रिकॉर्ड चेक करने को भी कह रहे हैं और अपनी ताकत की दुआई दे रहे हैं और कुछ सीन में वो अमिताभ बच्चन से भिड़ते भी दिख रहे हैं। अब फिल्म का लीड हीरो विलन की बात क्यों मान रहा है ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया शोर। इस एक किरदार के लिए वसूली इतनी मोटी फीस। कल के 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही शोर मचा दिया है। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार चर्चा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कल की 2898 एडी का टीजर जारी किया गया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। इसके साथ ही फिल्म और अमिताभ बच्चन 24 घंटे बाद भी खबरों में बने हुए हैं। कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन महाभारत के किरदार अश्वत्थामा का रोल निभा रहे हैं। टीजर में उनके किरदार के पर्दे खोले गए। कल की 2898 एडी के इस कुछ सेकंड के टीजर में अमिताभ बच्चन अलग अलग लुक दिखाए गए। इनमें उनका डी एल्ज लुक सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। कल की 2898 एडी का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं दिखाई दे रही है। वही अमिताभ बच्चन के टीजर के साथ फिल्म ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है। कल की 2898 एडी को लेकर आलम अब ये है कि दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को मिली इस हाइप में अमिताभ बच्चन का भी योगदान है। कल की 2898 एडी के लिए बिग बी ने मोटी फीस भी चार्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो कल की 2898 एडी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कल की 2898 एडी की लागत के साथ साथ स्टार कास्ट को भी मोटी फीस दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने कल की 2898 एडी में अपने किरदार के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास है। वही फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पाटनी है। ये सभी फिल्म जगत के महंगे सितारों में गिने जाते हैं।